रामलीला के लिए आज वहां पर भूमि पूजन होगा और रामलीला में नजर आएंगी फिल्मी हस्तियां। जी हां, सरयू तट पर स्थित लक्ष्मण किला पर भूमि पूजन का कार्यक्रम है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता भूमि पूजन के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। रामलीला अयोध्या में भव्य हो उसके लिए वहां पर भूमि पूजन का कार्यक्रम है। सरयू तट पर मौजूद लक्ष्मण किले पर भूमि पूजन होगा और ये जो रामलीला होगी ये बहुत भव्य करने की योजना है। आज के भूमि पूजन में बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर्स भी शामिल होंगे। सीधा अयोध्या ही चलते और ऋषि गुप्ता हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। ऋषि, ये जो सरयू तट पर कार्यक्रम है भूमि पूजन का, इस बारे में भी और ये जो रामलीला का आयोजन होना है अयोध्या में, इस बारे में भी कौन सी फिल्मी हस्तियां उसमें शामिल होने वाली है, तमाम चीजें दर्शकों को विस्तार से बताएं। जी आपको बता दें कि आज अयोध्या में अयोध्या की रामलीला का भव्य उद्घाटन किया जाएगा, उसका भूमि पूजन किया जाएगा। भूमि पूजन जो है कानून मंत्री ब्रजेश पाठक करेंगे और इसमें जो फिल्म नामचीन फिल्मी हस्तियां इसमें शामिल होंगी। इस बार जो अंगद की भूमिका जो है मनोज तिवारी निभा रहे हैं। अगले बार जो है 16 करोड़ दर्शकों ने अयोध्या की रामलीला को देखा था, तो इस बार जो है कयास लगाया जा रहा है कि 25 करोड़ जो है दर्शक इस बार अयोध्या की रामलीला को देखेंगे। इसमें कम जो भाजपा जितने भी गणमान्य हैं वो शामिल होंगे, साथ ही साथ अयोध्या के जितने प्रमुख संत हैं उस भूमि पूजन में आज शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अयोध्या की रामलीला को इस बार खास बनाने के लिए पूरी तरह से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। क्योंकि जो इस बार अयोध्या की रामलीला है, अयोध्या की रामलीला में राम और लक्ष्मण की भूमिका जो अयोध्या के ही निवासी निभाएंगे, क्योंकि फिल्म नामचीन हस्तियां जो हैं वो और अलग अलग भूमिका निभाएंगे। इसको लेकर के अयोध्या के साधु संत आम जनमानस में खुशी का माहौल बना हुआ है। आप कह रहे खुशी का माहौल है, बहुत स्वाभाविक है ऋषि, कि इतना बड़ा आयोजन अयोध्या में होगा, राम जन्मभूमि क्षेत्र में होगा, उस क्षेत्र में होगा जहाँ पर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, जहाँ पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है। आज आप कह रहे हैं कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का भूमि पूजन करेंगे और कौन से बड़े साधु संत आज के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं भूमि पूजन के ऋषि? जी आपको बता दें, जैसे कि अगर नित्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी कमलनाथ जो शामिल हो सकते हैं, रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येन दास जी शामिल हो सकते हैं, ऐसे कई अयोध्या के बड़े संत हैं जो इसमें शामिल होने के आसार जताए जा रहे हैं। साथ ही साथ भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी गणमान्य विधायक हों, सांसद हों, सब इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इस बार जो है अयोध्या की रामलीला को खास बनाने के लिए पूरी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लगातार वायरल और डेंगू बुखार के मामले बढ़ रहे हैं वहां पर। अब तक वायरल और डेंगू से 60 लोगों की मौत हो चुकी है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट सीएमओ का चीफ मेडिकल ऑफिसर का। स्थानीय लोगों के मुताबिक अब तक 138 लोगों की मौत हुई है, लेकिन सीएमओ सिर्फ 60 लोगों की मौत बता रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस में 400 से ज्यादा बच्चों का इलाज चल रहा है, ये चिंता की बात। 138 लोगों के मौत का दावा कर रहे हैं स्थानीय लोग और 60 लोगों की मौत की बात कर रहे हैं सीएमओ। सीधा फिरोजाबाद चलते हैं, कृष्णा पोरवाल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। कृष्णा, लगातार आपसे बात होती रही है, लगातार आप वहां से रिपोर्ट करते रहे हैं और अभी मैंने दर्शकों को बताया कि वहां पर मामले भी बढ़ रहे हैं और सीएमओ के स्टेटमेंट में और स्थानीय लोगों के दावों में मौत के आंकड़ों में बहुत फर्क है, दोगुने से भी ज्यादा का, सच्चाई क्या है कृष्णा? राजद, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर ऑफिशियल बात करें कि हमने तो 60 मौतें अभी तक दिखा रहे हैं, लेकिन मौतों की संख्या अभी 138 140 से ऊपर हो चुकी है। कहीं ना कहीं प्रशासन इसे छुपा रहा है। अगर यह सो सही हॉस्पिटल के बाहर में इस समय मौजूद हूँ, यहाँ पे भी लापरवाही का आलम है। मरीजों जो मरीज बच्चे भर्ती हैं उनके परिजनों का आरोप है कि उनकी रिपोर्ट टाइम पे नहीं मिलती और उन्हें सही तरह से इलाज नहीं मिलता, इसलिए वह यहाँ से छुट्टी कराना चाहते हैं। जिसका कल भी ऐसा ही एक मरीज था, यहाँ भर्ती एक बच्ची भर्ती थी वैष्णवी, उसके साथ भी यही हुआ, उसको 3 दिन से यहाँ भर्ती रखा, उसकी मौत हो जाती है और हालात तो वहाँ इतने बिगड़ गए कि उसकी वैष्णवी की जो बहन थी वह कमिश्नर की गाड़ी के आगे लेट गई, लेकिन बाद में प्रशासन ने इस मामले को रफादफा कर दिया और उस बच्ची के सबको उसके घर भेज दिया। जी राजद, हालात बहुत ज्यादा भयावह है, यहाँ बहुत ज्यादा लापरवाही है। जी राजद, आप जो बता रहे हैं वो बहुत चिंताजनक स्थिति है। कृष्णा, आप कह रहे हैं कि ये हुआ, बच्ची जो है उसकी तबीयत खराब थी, उसके परिजन गाड़ी के आगे लेट गए, उसके बाद भी संवेदनहीनता जारी है और आधिकारिक आंकड़ों में और सच्चाई में फर्क आप बता रहे हैं। कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।